आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। यह सोना भारत का ही था जिसे सालों पहले गिरवी रखा गया था। अब यह सोना आरबीआई के भंडार में जमा हो गया है। भारत अगले कुछ महीनों में ब्रिटेन से और सोना लाने की कोशिश में जुटा है। यह सोना 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के कारण गिरवी रखना पड़ा था। तब भारत ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सोना वापस लिया है। इस सोने के आने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संकट से निपटने के लिए 46.99 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा था। अब यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं बल्कि आरबीआई के पास रहेगा। इस योजना के तहत इंग्लैंड में आरबीआई द्वारा खरीद कर रखे गए 1000 क्विंटल सोने को भारत लाया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में कई देश अपना सोना रखते हैं, जिसके लिए उन्हें शुल्क भी देना पड़ता है। भारत भी यह शुल्क दे रहा था। आरबीआई ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया और यह फैसला किया कि इसे भारत में ही स्टोर किया जाए। दिसंबर 2017 से आरबीआई ने नियमित रूप से बाजार से सोना जमा करना शुरू कर दिया है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य था। तो यह सोना भारत में कहां रखा जाएगा? यह सोना मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन और नागपुर में स्थित तिजोरी में रखा जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व केंद्रीय बैंकों के पास अब तक खनन किए गए सभी सोने का लगभग 17% हिस्सा है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।